5 लैपटॉप स्किल्स एवरीवन शुड मास्टर इट। ओके, आप लोगों के साथ मैं 5 स्किल्स शेयर करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता है लेकिन वो इसको इस्तेमाल नहीं करता है, इसको इस्तेमाल नहीं करता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो पर पहली बार आ गए हैं, प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स फर्स्ट टाइम। और मैं यहाँ पर बिगिनर्स लोगों के लिए, जो लैपटॉप पर बिगिनर्स होते हैं उनको मैं यहाँ पर ज़्यादा वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप भी लैपटॉप पर बिगिनर हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं वो 5 पॉइंट्स। नंबर 1, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। आई नो बहुत से लोगों को पता है कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, लेकिन वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इवन मैं भी ये गलती करता था। मुझे मतलब शॉर्टकट कीज पता रहने के बाद भी मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता था, मैं माउस से ही करता था। माउस से करने के बाद उससे मेरा टाइम जो है बहुत वेस्ट हो जाता था। अगर आप शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे तो आप एकदम स्पीडली जो है काम कर पाएंगे। जैसे मान लो आपको कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बहुत से लोग इसको नहीं करते हैं, राइट। और कंट्रोल एक्स कट हो जाएगा, विंडोज एल लॉक हो जाएगा, आल्ट एफ4 और एंटर शट डाउन हो जाएगा, आल्ट टैब न्यू टैब पर जाएगा, कंट्रोल जेड अंडू हो जाएगा, कंट्रोल वाई रीडू हो जाएगा। बट बहुत से लोग जो है बेसिक जो भी शॉर्टकट कीज है उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट उनको पता है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज से आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। नंबर 2 जो है वो है ब्राउजर बेसिक्स या इंटरनेट बेसिक्स भी आप बोल सकते हो। देखिए, जब हम कोई भी गूगल पर सर्च करते हैं, जो हमको फर्स्ट या सेकंड रिजल्ट मिलता है, उसके अंदर हम जाने के बाद हमको जो चाहिए हम वो सर्च करते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं। उसके बाद जैसे मान लो आपको कुछ न्यू सर्च करना है तो हम क्या करते हैं, बहुत से लोग जो बिगिनर्स होते हैं, इवन मैंने भी ये गलती की, ओके, फिर हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद गूगल पर फिर सर्च करते हैं, राइट। तो इससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर जो ऑलरेडी इसको जानते हैं, जो इंटरनेट बेसिक्स जानता है, वो वैसे नहीं करेगा, वो डायरेक्टली न्यू टैब ओपन करेगा, वहाँ पर वर्क करेगा, ओके। और वो जो लिंक है वो भी राइट क्लिक करके वो न्यू टैब पर ओपन करेगा, इससे उसका वर्क जो है फास्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली एक राइट तरीका है ब्राउजिंग करना, ओके, एक राइट तरीका है ब्राउजिंग करना। इवन आपको ये भी नॉलेज रहना है कि किस तरह से जो है हिस्ट्री को क्लियर किया जाता है, कुकीज़ को क्लियर किया जाता है, किस तरह से बुकमार्क्स बनाना है। जैसे मान लो आपको कोई भी एक फेवरेट वेबसाइट है, ओके, जहाँ पर आप ज़्यादा काम करते हो, आपको फिर बार बार गूगल में जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सामने ही सेव करके रख सकते हो, सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट जो है आपको ओपन हो जाएगा। सो ये जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में आपको नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट बेसिक्स के अंदर। अगर मैं 3rd नंबर की बात करूँ वो है लैपटॉप सिक्योरिटी। देखिए, लैपटॉप सिक्योरिटी के बारे में पता रहने के लिए आपको IT एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी हैं जो आप खुद मतलब एक स्टैंड अलोन यूज़र होने के बाद, घर में आप लैपटॉप सिंगल पर्सन यूज़ करते हो, राइट, तो फिर भी आपको इसके बारे में नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप सिक्योरिटी के बारे में, किस तरह से आप लैपटॉप को सिक्योर करेंगे, किस तरह से आप वायरसेस से बचाएंगे, किस तरह से आपको मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है जहाँ पर वायरसेस नहीं है, इन सब के बारे में आपको जो भी बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में भी आपको नॉलेज रहना है। देखिए, विंडोज़ 10 में ही ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे मान लो आपको कोई भी एक फाइल को स्कैन करना है, आप सिंपली एक फाइल को भी स्कैन कर सकते हैं, आपको पूरा एक कंप्यूटर को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपको कोई भी एक फाइल के ऊपर डाउट है जहाँ पर वायरस आ गए हैं, मतलब इस तरह से आपको डाउट हो रहा है, तो आप सिंगल उस फाइल को भी आप स्कैन कर सकते हैं। ये पूरे ऑप्शन अवेलेबल है विंडोज 10 के अंदर। इवन आप फायरवॉल भी ऑन करके रख सकते हैं, फायरवॉल एक मतलब अटैक करने के लिए बचाता है। जैसे मान लो आपको वायरस आ गया है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देगा कि आपके लैपटॉप पर इस तरह से जो है थ्रेट्स आ गए हैं, ओके। तो आपको लैपटॉप सिक्योरिटी के बारे में भी नॉलेज रहना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 4th नंबर की बात करूँ है सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। आपको ईमेल सेंड करना और रिसीविंग ईमेल्स के बारे में भी आपको नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मान लो आपको किसी ने इंपॉर्टेंट मेल सेंड कर दिया है, समटाइम्स क्या होता है वो ईमेल जो है स्पैम में चला जाता है, मतलब जेनुइन रहता है फिर भी स्पैम में चला जाता है, इस तरह से बहुत से बार होता है। तो आपको इस तरह से चेक करने आना चाहिए, ओके, मतलब जीमेल जो आ गया है, मतलब अलग अलग जो भी टैब्स है, जैसे प्रमोशनल टैब हो गया और जो मेन इनबॉक्स टैब है, प्राइमरी टैब जिसको बोला जाता है, वो मेन टैब हो गया, स्पैम टैब हो गया, या ड्राफ्ट्स में समथिंग हम समटाइम्स क्या होता है हम टैग करते हैं और आधा छोड़ने के बाद वो ड्राफ्ट्स में जाकर रहता है, तो उन सब के बारे में आपको नॉलेज रहना इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से आप सिक्योर जीमेल सेंड करेंगे, ओके, सिक्योर ईमेल क्या होता है, जैसे मान लो जो जिसको अभी आप सेंड कर रहे हो ना, वो पर्सन ही देखना है, मतलब पर्टिकुलर वही पर्सन देखना है। समटाइम्स क्या होता है किसी कॉर्पोरेट्स के लिए आप जीमेल सेंड करते हो लेकिन वहाँ पर जो है बहुत से लोग और भी देखते हैं, और भी लोग जो है, अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली एक ही पर्सन देखना है जिसको आपने सेंड किया है वही पर्सन देखना है, तो आप सिक्योर मेल भी सेंड कर सकते हो, ओके। उसके लिए उसको आपको कॉल करना पड़ेगा, मतलब कॉल नहीं, मतलब आपको कोड के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे OTP आता है ना, उस तरह से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। वो रिक्वेस्ट करने के बाद उसको आप OTP देने के बाद ही वो उस जीमेल को जो है ओपन कर पाएगा। ये एकदम सिक्योरिटी लेवल होता है। इन सब के बारे में आपको नॉलेज रहना है। अगर मैं 5th नंबर की बात करूँ वो है टच टाइपिंग। आपको टच टाइपिंग करने आना चाहिए। मुझे पता है बहुत से लोगों ने ट्राई किया होगा टाइपिंग करने के लिए लेकिन वो मतलब टाइपिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो सिर्फ उंगलियों को ट्रेन करते हैं, उनकी जो 10 उंगलियां हैं ना उनको ही ट्रेन करता है। मैं आपको बता देता हूँ
उंगलियों को सिर्फ 30% ट्रेन करना है और 70% जो है आपके माइंड को आपको ट्रेन करना है। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन किया ना तो आप आंख बंद कर कर भी टाइपिंग कर सकते हैं। ये सेम थिंग ऐसे ही है, जैसे मान लो कोई भी पहली बार कार सीख रहा है, जब पहली बार कार सीखता है ना तो वो बार बार सोचता है कि उन्होंने एक्सेलेटर के ऊपर ही पैर रखा है या क्लच के ऊपर पैर रखा है, इस तरह से वो बार बार सोचता है और वो गियर को भी देखते रहता है। जब एक बार उसके माइंड में फिक्स हो जाता है ना, वो फिर बार बार देखता नहीं है, उसका पैर ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है। सेम थिंग यहाँ पर भी है, आपको आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा अगर आप टच टाइपिंग करना चाहते हो तो। ऐसा नहीं है कि ये एक दो दिन में हो जाएगा, अगर आप स्ट्रांग प्रैक्टिस करेंगे तो आप 20 डेज के अंदर जो है टच टाइपिंग सीख सकते हो। आई होप आपको नॉलेज मिल गई होगी। ये थे 5 पॉइंट्स जो हर एक लैपटॉप यूजर को बता रहना है, हर एक लैपटॉप यूजर को इसके बारे में नॉलेज लेना ही है और आज से ही शॉर्टकट किसका इस्तेमाल करना है पता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आज से इस्तेमाल करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ एक भी पर्सनल नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना जस्ट कमेंट दैट, ओके। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पर, और मैं इस वीडियो को शायद अपलोड कर रहा हूँ आफ्टर 20 डेज, बहुत लॉन्ग टाइम तक, राइट। और नेक्स्ट वीडियो भी मेरा थोड़ा सा लॉन्ग टाइम बाद ही आ जाएगा, क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरे कोर्स का मेरे वीडियोस बनाने हैं जहाँ पर मुझे 80 के आसपास वीडियोस शूट करना है, और वीडियोस शूट करना तो ईजी है लेकिन एडिट करने के लिए 3-4 आवर्स जा रहे हैं, दिन में 3-4 आवर्स एक वीडियो को एडिट करने में, ओके। तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा बिजी हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देर से जो है वीडियोज डाल रहा हूँ, लेकिन जल्दी मैं कंटिन्यूसली यहाँ पर भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सीखते रहो यार, कीप लर्निंग, बाय।